अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। पठान हिट होगा या फ्लॉप? 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं किंग खान। फिल्म के ट्रोल करने के बाद पर किंग खान ने कहा कि पूरा थिएटर खरीद लेंगे। कितना सच कितना झूठ? हैशटैग बॉयकॉट पठान। यूजर ने पठान को बॉयकॉट करने के पीछे एक नहीं दो नहीं 5-5 वजह बताई दोस्तों। कई पठान के बहिष्कार के मांग का तार बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत से तो नहीं जुड़ा हुआ है दोस्तों। आखिर क्या है वजह? इन तमाम सवालों के जवाब देंगे हम आपको इस वीडियो में, तो कहीं जाइएगा मत दोस्तों। पठान ने विवाद का श्री गणेश कर दिया है। फिल्म अब भगवान भरोसे है। बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान का फिल्म पठान काफी समय से चर्चे में है। हाल ही में पठान का ट्रेलर भी रिलीज किया गया था और फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज अचानक फिल्म पठान को बॉयकॉट करने का मांग हो रहा है। ट्विटर पर लगातार पठान बॉयकॉट ट्रेंड हो रहा है और यूजर फिल्म को बॉयकॉट करने के लिए एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे पठान के बहिष्कार के मांग का दार दरअसल बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत से जुड़ा है। राजपूत के मौत के बाद से ही गौरतलब है कि राजपूत खुदकुशी मामले के बाद जिस तरह से नेपोटिज्म या स्टार किड्स के फिल्मों के खिलाफ फैंस का गुस्सा देखने को मिल रहा है, इससे फिल्मों पर बड़ा असर पड़ रहा है दोस्तों। आलिया भट्ट का फिल्म सड़क 2 को आज एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सड़क 2 को YouTube पर डिसलाइक करने का एक ऐसा दौर चला कि फिल्म का ट्रेलर YouTube हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाले ट्रेलर में से एक बन गया दोस्तों। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉयकॉट का शिकार हुई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई। लोगों ने फिल्म की कई आलोचना भी की। ये कारण रहा है कि इस फिल्म को देखने से सिनेमाघरों में कम ही लोग गए, जिसके बाद अब शाहरुख खान की फिल्म पठान का बहिष्कार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट पठान ट्रेंड होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। लोग दीपिका पादुकोण की तस्वीर शेयर करते हुए फिल्म का विरोध कर रहे हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर ये फिल्म फ्लॉप हुई तो इसकी वजह दीपिका पादुकोण बन सकती हैं। आपको बता दें कि पठान में शाहरुख खान एक अहम किरदार में नजर आएंगे, उनके साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम नजर आएंगे। फिल्म यशराज प्रोडक्शन के हाउस के नीचे बन रहा है और इसके निर्देशक हैं सिद्धार्थ आनंद। दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे शानदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ मंगलमय। धन्यवाद।